गाइस जब भी आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर आपको एड्रेस डालना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने फ्लिपकार्ट ऐप्स में अपना जो एड्रेस है वो कैसे सेट करके रख सकते हैं, या तो अगर आप चाहते हैं वहाँ का जो भी आपने पहले सेट करके रखा हुआ था उसको फिर से चेंज करें तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो सभी मैं आज के इस वीडियो में पूरी स्टेप बाई स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जानना है तो ये वीडियो स्किप किए बिना अंत तक देखते रहे, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट में अपना एड्रेस को सेव करने के लिए या तो पहले आपने जो भी सेव क्या था उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट जो ऐप है उसको ओपन करना होगा। और जैसे ओपन करेंगे तो उसके बाद अकाउंट का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। और उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा स्क्रॉल आना है, और स्क्रॉल आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं सेव एड्रेस, तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। और यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। और उसके बाद आपने पहले जो भी एड्रेस सेव किया था वो सभी यहां पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर आपने पहले जो भी सेव किया है वहां से कोई भी फ़ोन नंबर हो या तो एड्रेस हो, अगर आप वहाँ से चेंज करना चाहते तो आपको क्या करना है, आपने जो भी पहले सेव किया था ना उसके सामने कुछ इस तरह से थ्री डॉट देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है थ्री डॉट में। और उसके बाद एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप जो भी चाहे यहाँ से चेंज करके सेव एड्रेस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चेंज नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। और आप यहाँ पर अपना जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप कीजिए, और उसके बाद सेव एड्रेस पर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट ऐप्स में अपना एड्रेस को चेंज कर सकते हैं या तो सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।